पतंजलि ने कोरोना की दवा कोरोनिल को पेश किया है। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर इस तरह से मजाक बनना और मजाक बनाना बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो उनका कहना है कि ये सब बेमानी है। खबरें आ रही थी कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोना की दवा कोरोनिल को पेश किया है, लेकिन एक दिन के भीतर इस दवा पर बैन लग गया। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा मंगलवार को कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल दवा लॉन्च किया गया था, जिसके कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने विज्ञापन पर रोक लगा दी और दवा से संबंधित सभी विवरण की मांग की। इसी कड़ी में बुधवार को उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अधिकारी ने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने आवेदन में सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने, खांसी और बुखार के लिए लाइसेंस की मंजूरी की मांग की थी। 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया, उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। अब किस तरह का नोटिस आप लोगों ने इनको जारी किया? हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने, है ना? तो वो इस चीज़ का नोटिस देंगे। दूसरा हम देंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 170 के अंतर्गत, जिसमें यह है कि अगर कोई ऐड आप करते हैं तो उसकी परमिशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी, और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही आप कोई भी ऐड टीवी हो या पेपर या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें दे सकते हैं। और तीसरा है DMR एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसमें कि ये इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है, उसके अंतर्गत भी इनको नोटिस जारी किया जाएगा। कंपनी द्वारा किए गए आवेदन में कोरोना वायरस का उल्लेख नहीं था। विभाग ने कहा है कि कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि कोरोना किट बनाने की अनुमति उन्हें कैसे मिली। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील सुखविंदर सिंह नारा ने हरियाणा पुलिस के DG के संज्ञान में लाते हुए बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्णा और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि हमें ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि पतंजलि रिसर्च सेंटर और NIMS के संयुक्त प्रयासों से पहला आयुर्वेदिक दवा तैयार की गई है। साथ ही रामदेव ने कहा था कि शोध में पाया गया है कि 3 दिनों में 59% रोगी ठीक हुए हैं और 7 दिनों में 100% रोगी स्वस्थ हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो उनका कहना है कि ये सब बेमानी है। कोरोना जिससे पूरा देश पूरी दुनिया परेशान है, कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर इस तरह से मजाक बनना और मजाक बनाना बहुत ही शर्मनाक है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।